किसने बनाई यार ये पढ़ाई? अच्छा चलो पढ़ाई तो बना दी, लेकिन पढ़ना क्यों पड़ता है? अच्छा चलो पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने में जोर क्यों आता है? अच्छा चलो पढ़ने में जोर आता है, लेकिन और चीजों में मजा क्यों आता है? जो किताब आपको इतना नॉलेज देती है, उसको पढ़ते टाइम आपको नींद आती है, लेकिन वही अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हो जिसमें रंग बिरंगी फोटो हो, कहानी हो, चुटकुले हो, उसमें आपकी नींद भाग जाएगी। मोबाइल चलाना क्यों अच्छा लगता है? यूट्यूब पर कई घंटे फालतू वीडियोस देखना क्यों अच्छा लगता है? किसी को सोशल मीडिया पर लाइन देना क्यों अच्छा लगता है? रात को जल्दी सो जाते हुए सोचकर कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, सुबह लेट उठते हो सोचकर कि यार दोपहर में पढ़ूंगा, दिन बहुत लंबा है, दोपहर को मोबाइल पे लग जाते हो सोचकर कि यार शाम को पढ़ लेंगे, शाम तो अपनी है, शाम को अपना टाइम आएगा लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आएगा या फिर मूवी देखने के लिए आएगा। अरे अभी क्या जरूरी है, अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने में। आपके पापा 40 के हो गए, आपने 20 साल टाइम वेस्ट किया खुद का, बाकी 20 साल और अपनी फोटो एडिट करके डीपी लगाते रहो, तब तक आपके माँ बाप 60 साल के हो जाएंगे। अभी जो आप सपने देख रहे हो कि पेरेंट्स को वहां घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कार लूंगा, एसी लगाऊंगा घर में, बैंक बैलेंस रखूंगा, मैं पूछता हूँ कब करोगे मेरे भाई? जो चीज आप एक साल बाद अचीव करके एंजॉय कर सकते हो ना, उसी चीज को अगर 5 साल बाद अचीव करोगे ना, तो इतना मजा नहीं ले पाओगे। कड़वा सत्य, समझो इस बात को, ये जो पढ़ाई नाम की चीज है ना, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे सामने पहाड़ है, तो सोचो कि जो मजे है ना जिंदगी के, वो इस पहाड़ के दूसरी तरफ है। अगर आपको अपने हक के मजे और हक की खुशियां, अपने परिवार की खुशियां लेनी है, तो इस पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। बल्कि मैं कहूंगा कि पढ़ाई पहाड़ नहीं है, ये रास्ता है। लेकिन होता क्या है, जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई को छोड़ करके सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पैसे कमाने का लोड पड़ेगा, किताबों में फिर से किस्मत ढूंढने की कोशिश करोगे, दिन भर प्राइवेट जॉब करोगे, शाम को सरकारी की तैयारी करोगे। अगर आपके लिए सरकारी लेना इतना जरूरी है, तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करो ना यार। आज आपके लिए क्या जरूरी है, उस पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आपकी मम्मी कभी आज खाने वाली रोटी एक हफ्ते बाद बनाती है, एक महीने बाद बनाती है? तो यार आप इतने स्मार्ट कब से हो गए, या आपकी मम्मी बेवकूफ है कि वो डेली का काम डेली फिनिश करके सोती है? आप क्यों कामचोर बन रहे हो? अगर आपको लगता है कि जिस टाइम को वेस्ट करने से अभी आपको टेम्प्रेरी खुशी मिल रही है, और उसका जो दर्द होगा आपको फ्यूचर में, आपकी फैमिली को, उसके लिए आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। इस रंगीन दुनिया के जाल से बाहर निकलो भाई। लोग अपनी जिंदगी का स्टेटस बदलने में लगे हुए हैं, और आप व्हाट्सएप के स्टेटस बदल रहे हो, एकदम टारगेट करके लगा रहे हो स्टेटस की, यार वो बंदा या वो बंदी जरूर देखने चाहिए मेरे स्टेटस को, मेरी इस वाली पिक को। बहुत बढ़िया यार, लोग अपनी किस्मत चमकाने में लगे हैं, और आप अपनी डीपी को ब्यूटी मोड में डाल डाल के उसका कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस एडजस्ट करके सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हो। यार शक्ल तो वही रहेगी ना, आपकी शक्ल देख के कोई आपको पैसा नहीं देगा कि यार तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ये लो 50 रुपये, जाओ आइसक्रीम खा लो, कोई नहीं देता भाई आपकी शक्ल देख के। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप में नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से आपको कोई नौकरी मिलती है। अगली बार जब कोई भी काम शुरू करो ना, तो 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके सोचना कि इस काम से क्या आप अपने टारगेट के थोड़ा पास और पहुंच रहे हो। आज आपके साथ जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं में से देख लेना जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो इंसान आपको पीछे छोड़ देगा। इस इनसिक्योरिटी को समझो और अपने नॉलेज को पॉलिश करते रहो कि यार अगर मैं इस काम को करके नाम नहीं कर पाया, तो कोई और कर देगा, और जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे क्या कमी है मुझमें। इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना जो मेहनत करके अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।